मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ और इस बिजनेस में आज से करीब हम 30 मंथ हो गया, यानी अढ़ाई साल हो गया। एज ए स्टार डायरेक्टर के लेवल पर भी है। और आज का जो सेशन है, इस सेशन को लेकर के आए हैं कि सोच बदलेगी तभी आपका दिशा भी बदलेगा। ये जो देख रहे हैं ना सर, ये इतना खतरनाक है सर, इतना खतरनाक है कि आपको बाहर कुछ नहीं बदला है ना, तो ये आपको बदल के रख देगा। ये ऐसा एक खतरनाक चीज है, बाहर कुछ नहीं बदलता है सर, यहाँ बदल जाता है। यहाँ बदल जाएगा, आपको हर चीज बदला हुआ नजर आएगा और उस रास्ते पे आपको चलने का भी बोलेगा कि इस रास्ते पर तुम चलो। तो चलिए, एक के इसी पे याद आ गया, नजर बदले तो नजारे बदले, नजर बदले तो नजारे बदले, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले। इसका मतलब यह तो होता है सर कि आपको यही चीज, बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक यहां नहीं बदलता। तो इस वेस्टेज बिजनेस में हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह लोग अपने सोच के प्रति सोचते हैं, लेकिन होता क्या है कि अपने लाइफ में हम कहां पे सोच लेते हैं और किस समय से सोचते हैं, किस एज से सोचते हैं, यही चीज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। चाहे आप देखिए जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई ट्रेडिशनल मार्केट में कर रहे हो, या तो फिर आप किसान के वर्ग से हो, ये यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपका यदि सोच बढ़िया है, अच्छा है, तो आप उस सोच पे आपको काम करने के लिए भी कहेगा। जैसा कि हम एक उदाहरण के साथ आप लोगों को एक बात हम शेयर करने जा रहे हैं कि आपका सोच किस तरह से है, और आज के बाद भी अगर आपका सोच अगर नहीं बदला तो सोच लीजिएगा कि यहां से मेरा मीटिंग, आज का जो मीटिंग है, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। तो हम यही चाहेंगे कि एक कहानी के साथ हम आप लोगों को शेयर करते हैं, और एक कहानी के साथ आप लोगों को एक सीख भी मिल जाएगी कि आज का सोच, कल का सोच, पर को सोच और मरते दम तक का सोच हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि इस वेस्टेज बिजनेस में आते हैं तो बोला जाता है कि एक एज ए कस्टमर के रूप में आते हैं, इसके बाद रॉयल कस्टमर के रूप में आते हैं, और इसके बाद बोला जाता है रॉयल कस्टमर के रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सभी लोग लीडर हैं। मतलब है कि आप किसी के पास ट्रेडिशनल मार्केट में आप सामान लेने जाते हो, ट्रेडिशनल मार्केट से किसी सामान को आप लाने जाते हैं और लाते हैं, तो होता क्या है ना कि किसी तरीका से वो बिगड़ जाती है, वो सामान किसी तरीका से बिगड़ जाता है, किसी तरीका से उसमें फॉल्ट आ जाता है। और जब आप उस सामान को आप वापस लेके जाते हैं दुकानदार, दुकान वाले के पास, तो जानते हैं क्या बोलता है? आप जब दुकानदार वाले के पास जाकर अगर बिगड़ते हैं तो दुकानदार वाले क्या बोलता है? सर मेरा क्या गलती है, बस मैं तो यहाँ पे छोटा सा एक नौकरी कर रहा हूं, हम पे क्यों बिगड़ते हैं, और आपसे कुछ नहीं बोलता है। तो सर यही है उसका सोच, उसको में अपनापन नहीं है। वो जिस जगह काम कर रहे हैं, या तो किसान ग्राउंड से या किसी भी जगह पे है, नौकरी वाले हैं चाहे किसी भी जगह पे है, वो अपने आप में अपनापन नहीं है, वो बस नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रही है, उससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। तो इसी पे एक बात और याद आ गई कि अगर आप नौकरी के पर्पस से वहां पे हैं, नौकर वाली सोच के पर्पस से हैं, तो आपको सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वहां पे सोच जो है आपका अपनापन नहीं है, नौकर वाली सोच है, मेरा क्या जाता है।
यही हो रहा है। अदर जगहों पे आप जाते हो तो बोलते हो मेरा क्या जाता है, पंकज सर तो है ना, आज मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, मेरा क्या जाता है। 3 तारीख को सर बोल रहे हैं सीएनसी लेना है, क्या दिक्कत है, नहीं लेंगे तो मेरा क्या जाता है, बाद में ले लेंगे। सर अपनापन नहीं है इस वेस्टेज बिजनेस में। सर हम एक बात बताते हैं कि जिस तरीका से आप अपने बच्चों को एक सोच बना लेते हैं कि मेरा कल का भविष्य मेरा बच्चा है, तो एक गोद और उठा करके देख लीजिए। एक गोद जो है आपका वेस्टेज है, और इस वेस्टेज को आप एक गोद लेकर के जितना परसेंट आप अपने बच्चे के प्रति, आप अपने नौकरी के प्रति, आप अपने किसान वर्ग के प्रति, आप अपने ट्रेडिशनल मार्केट के प्रति 1% भी अगर वेस्टेज बिजनेस में अगर समय दे दिए, 1% आपने खर्च कर दिए वेस्टेज बिजनेस के प्रति, तो आपको वो चीज जो आपको बच्चा भी आपका नहीं देगा, वो आपको वेस्टेज देगा। इसके लिए सर माइंड में पूरी तरीका से भर लीजिए कि जो आपका दुकान में ट्रेडिशनल मार्केट में समय दे रहे थे, जहां पे आप नौकरी कर रहे थे, जहां पे आप उसका 1% सर 1% एकदम हम बताते हैं कि इसमें समय दे दीजिए, जो आपको नौकरी नहीं दिया है वो आपको यहाँ पे देगी। आगे की अगर बात किया जाए, अगर तो एक बात याद आ गई, नौकरी जो हम बता रहे थे, तो एक ऐसे ही एक दोस्त था कि आर्मी का जॉब कर रहा था और उस आदमी जो है कुछ 30 सालों के बाद जो है सर वो रिटायरमेंट लेके आ गया। कुछ जैसे रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट से क्या होता है कि वो रिटायरमेंट लेकर के वो आ गया। जब वो रिटायरमेंट लेकर के आया तो हुआ क्या कि वो आया तो कुछ समय के बाद वो 1000 करोड़ का वो टर्नओवर खुद करने लगा। समझिएगा सर, इस बात को समझिएगा। आर्मी में जॉब करता था, आर्मी का रिटायरमेंट मिला और लमसम 30 साल के अंदर, माने 30 साल के अंदर वो जो है एक कंपनी खोला और उस कंपनी को 1000 टर्नओवर का वो करने लगा। इसने में ऐसा हुआ कि उसका साथ में एक दोस्त रहता था, जब वो जॉब करता था तो सेम टाइम पे ज्वाइन वो भी किया था और साथ में ही रहता था। वो आदमी, वो जो दोस्त था, वो अपने नौकरी के लिए भटक रहा था कि अगर कहीं नौकरी अगर मिल जाता तो मैं कर लेता। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, यदि नौकरी हमें मिल जाता तो वो सोचा कि मेरा दोस्त है, वहां पे गया जहां पे एक दोस्त जो है उसका नौकरी को रिजाइन करके जो छोड़ करके जो आया था और वो अपने आप को एक हजार का टर्नओवर देने लगा, तो वो आदमी जो उसका दोस्त था वहां पे गया बोला कि हमको भी अगर यहाँ काम, अगर नौकरी मिल सकता है तो हमें यहाँ दे दीजिए। वो दोस्त बोला, क्या बात करते हो, 30 साल से हम तुमको जानते हैं, 30 सालों से हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं, क्या दिक्कत है, आओ। वो आदमी नौकरी पे रख लिया। कुछ समय के बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि सभी लोग वर्कर, जितना भी था काम करने वाला, जितना भी वर्कर था, एक दिन ऐसा हुआ कि लोग चले गए और ये जो दोनों दोस्त जो है आर्मी में समय एक जगह काम करते थे, और एक आदमी नौकर और एक आदमी जो है कंपनी का मालिक, 1000 का टर्नओवर, एक जमा दफ्तर में जा करके दोनों बैठ गए। दोनों जब एक जमा दफ्तर में जाकर बैठ गए तो एक दोस्त बोला कि क्या बात है यार, 30 साल पहले याद करिए कि
30 साल पहले हम लोगों ने सेम समय पे नौकरी को ज्वाइन किए थे और हजार तुझे भी मिलता था, हजार मुझे भी मिलता था। समझने का प्रयास करिएगा सर, हजार तुझे भी मिलता था, वो आदमी जो नौकर वो दोस्त बोल रहा है कि हजार तुझे भी मिलता था और हजार मुझे भी मिलता था, और सेम टाइम में तुमको भी रिटायरमेंट हुआ और सेम टाइम में हमें भी रिटायरमेंट हुआ, और आज तुम 1000 टर्नओवर का मालिक और मैं आज भी नौकर, वहां भी नौकर था, और तुम वहां भी नौकर था, यहां पे तुम मालिक हो। इसी को कहते हैं किस्मत। वो आदमी बोल रहा है जो नौकर आज भी है, वो आदमी को बोल रहा है कि तुम वहां पे नौकर था, यहाँ पे मालिक, और मैं वहां पे भी नौकर था, यहाँ पे भी नौकर हूं। इसी को कहते हैं किस्मत। अब वो दोस्त को रहा नहीं गया, बहुत ही आप एकदम सोचने वाली बात होगी, एकदम लेके जाइएगा सर। वो आदमी क्या बोला कि जो तुमने बोला ठीक बोला, एक सेम टाइम पे तुम भी ज्वाइन किया था, ये भी सही बात है, हजार तुझे मिलते थे, हजार मुझे भी मिलता था, वो भी सही बोला, वहां पे भी तुम नौकर था और वहां पे हम भी नौकर थे, ये भी तुम सही बोला। लेकिन एक बात तुझे 30 साल पहले एक बात तुझे याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो बात तुम्हें बुरा लगे तो तुम्हारा सिर दर्दी। मैं आज से 30 साल पहले वो बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको बुरा लगता था है तो आपकी सिर दर्दी आपका प्रॉब्लम, हमें कुछ नहीं जाता है। और सुन जो मैं बता रहा हूं, उस समय 30 साल पहले वाली बात, एक समय याद करो कि जब हम लोग काम करके दफ्तर से आ रहे थे रूम पे, जब रूम पर आ रहे थे तो हम लोगों ने क्या हुआ कि खाना पीना खाया और मुझे एक बात याद आ गया था कि हम जहां पे दफ्तर से काम करने को मिला था वहां से जब हम आ गए तो हमने वहां का पंखा ट्यूब बंद करना भूल गए थे, पंखा और लाइट जो है बंद करना वो भूल गया था। तो हमने तुमसे क्या बोला था कि चलो उस पंखे को और ट्यूब को दोनों को बंद करके आएंगे, तो तुमने क्या बोला था, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बस एक ही तो लाइट है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बस एक ही तो पंखा है, तुम इतना परेशान क्यों हो, एक रात की तो बात है, और अपना क्या जाता है, वो तो सरकारी है। क्या बोला था? और इस तरीका से बोल करके तू क्या कर गया था, तू सो गया। तुमने ये भी बोला तुमको जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। हमने क्या 8 घंटा काम नहीं किया, यही तुमने उस दिन बोला था। और जब तू सो गया था, हमने 2 माइल, 9 बज रहा था, 2 माइल गया और जा करके उस पंखे को और लाइट को बंद किया, तब मैं आकर के सो रहा था। और आज जो तुम बात कर रहे हो कि वहां पे हम नौकर थे, आज भी नौकर हैं, हम उस रात को भी मालिक थे और आज भी मैं मालिक हूं। उस वहां भी मालिक थे, आज रात जो हमने गुजारा वहां भी मालिक थे और आज भी मैं मालिक हूं। अब तुझे वहां भी नौकर था और यहां भी नौकर है, और तू मरेगा तो नौकर की रह करके ही मरेगा, यदि ये सोच आपके पास है तो।
तो यही चीज हम कहना चाहेंगे, किस वेस्टेज बिजनेस में आपको यहाँ पे मालिक की तरह रहना होगा। आप जिस जगह पे हैं आप में अपनापन नहीं होगा तो आपको एकदम लगेगा छोड़ो मेरा ये नहीं है। तो सर आप अपने सोच को बदलिएगा, आप अपने सोच में क्या रखे हुए हैं। हम बोले शुरू में ही ये बहुत खतरनाक चीज है, अगर इसको जैसा बोलिएगा, इसको बोलिए कि हमको 1000 रुपया कमाना है, इसको बोलिए 1000 रुपया कमाना है, 1000 रुपया वाला ट्रिक देगा। इसको बोलिए हमको एकदम अच्छा सा जिंदगी चाहिए, वैसा ट्रिक देगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए अपलाइन का, यहाँ पे सर आप एक माइंड में ठान लेते हैं कि इस बिजनेस मेरा है, मैं इसको करूंगा, कोई करे या मत करे मैं इसको करूंगा। आपको सर जीतने से कोई नहीं रोक सकता, बस ये चीज आप अपने अंदर डाल लेते हैं। तो यही चीज सर हमारे अंदर आई थी कि हमारे अपलाइन कौन है, क्या है। बहुत लोग फोन करते हैं सर मेरा अपलाइन नहीं है, अपलाइन ध्यान नहीं देता है। सर हमने ऊपर कौन है कहाँ है खोजते खोजते हमारे 10 गो के ऊपर मिले सुमंत सर, फिर उसके ऊपर गए तो मिले पंकज सर, हमने ये नहीं देखा। यही चीज है सर आप लोगों की सोच। सर एक ऐसा मानवता आप सोच सकते हैं सर कि आज के डेट में सोच मालिक वाला होनी चाहिए। इस वेस्टेज बिजनेस में अगर कर रहे हैं तो ये दो सोच, आप में अपनापन होना चाहिए और एक सोच होना चाहिए कि आप किस सोच पे काम कर रहे हैं। इसी तरीका से हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि हमें अगर जिंदगी मिला है तो एक इंसान ही सोच सकता है, ना कि जानवर सोच सकता है। मैं इस पे भी आपको हम बताना चाहेंगे, आप एक बंदर के साथ रह, आपने बंदर देखे होंगे, उस बंदर को 100 रुपये का नोट लटकाइए और एक मुट्ठी मूंगफली धर दीजिए। आप उस बंदर को एक मुट्ठी मूंगफली रख दीजिए और 100 रुपये का नोट रख दीजिए, सर वो क्या उठाएगा हम सुनना चाहेंगे संतोष सर से वो क्या उठाएगा, मूंगफली उठाएगा या 100 रुपये का नोट उठाएगा? मूंगफली उठाएगा सर, 100% संतोष सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। वो सर मूंगफली उठाएगा, क्यों? क्योंकि अगर उसका सोच रहता कि मैं 100 रुपया में इतना मूंगफली खरीद लेता तो 100 रुपया उठाता। तो सर यहाँ पे हम सोच सकते हैं, जानवर नहीं सोच सकता है। और ऊपर वाला से थैंक्स कहना चाहेंगे कि आज हमें एक इंसान के रूप में दिया है। सर विरासत में क्या दे के गया वो मायने नहीं रखता है, आप क्या विरासत को दे के जा रहे हैं ना ये मायने रखता है, ये मायने रखता है। तो हम यही चीज बताना चाहेंगे कि जो हमें अगर यहाँ पे, अगर जितने लोग आप यहाँ पे आए हुए हैं, जिस सोच के साथ हैं, जिस जगह पे थे नहीं मिला तभी आप यहाँ पे हैं, जिस जगह पे आप सोच था वहां पे आपको लगा नहीं मिलेगा, जो हमें यहां से मिलेगा तभी आप यहां पे हैं। यस या नो? तो यहां पे सर इस सोच के साथ आए हैं कि हमको यहां पे मिलेगा 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 मिलेगा। ऐसे भी कहा जाता है सर कि जो बच्चा ज्यादा जिद करता है भगवान उसी को भी पूरा करता है। तो आप अपने सोच को एकदम जिद्दी कर दीजिए, हमें ये चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, हमें एक लेकिन किन प्राकिन एकदम नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरा सोच एकदम बिल्कुल है, हम देख चुके हैं। जब हम देख चुके हैं तो उस पे हमको अड़िग रह करके अपने सोच को पॉजिटिव रख करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते
जाइए, बढ़ाते जाइए। आपके जैसा हम एक और बात बताना चाहेंगे, आपके जैसा यहाँ पे अभी कोई नहीं है। नहीं विश्वास है सर, आप अपने आप से जा करके आईना के सामने खड़ा हो जाइए और खड़ा होकर के पूछिए, मेरे जैसा कोई है? आप अगर 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपका नॉलेज 10,000 वाला है। आप कमा रहे हैं 1,000, लोग 20,000 कमा रहा है, उसका नॉलेज 20,000 वाला मिल चुका है, 20,000 कमा रहा है। तो यही चीज है सर कि आपके पास जो है लोगों के पास नहीं है सर। इसको हम साबित करके दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि एक आदमी नाव पे चला रहा था, नाव चला रहा था और एक महात्मा उस नाव पे बैठ गया। एक आदमी नाव चला रहा था और महात्मा एगो आया उस नाव पे बैठ गया और बोला कि हमको उस पार कर दो, तो हम पार कर देते हैं। सोचने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे आपको पास जो है वो आपके पास है सर, दूसरा किसी के पास नहीं है। ये चीज हम साबित करके दिखा देते हैं। जब वो नाव पे बैठा हुआ था इंसान, तो महात्मा, तो वो नाविक से पूछा कि तुम रामायण जानते हो? तुम रामायण जानते हो? तो बोला कि ना बाबा, हम तो नहीं जानते हैं। तुम्हारा नास्तिक है, इस दुनिया में आना तुम्हारा पाप है जो तुम रामायण भी नहीं जानते हो, उस महात्मा ने बोला। दूसरी तरफ फिर और पूछा, महाभारत जानते हो? तो बोला कि नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं बाबा। तुम कौन से जन्म में ऐसा तुमको दे दिया, तुम्हें धरती पर रहना पाप के समान है, तुम्हें धरती पर रहना ये तुम्हें एकदम बिल्कुल भार के समान है, नहीं रहना चाहिए था। उस बाबा ने उसके नाव पे बैठा और इस तरीका का बात उस नाविक से लगा। जब लड़का बोला, उस लड़के का जवाब सुनिएगा, वो लड़का बोला कि बाबा आपको तैरना आता है? तो बोला क्यों? बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है। तो बोला कि नहीं, हमको तैरना नहीं आता है। तो तूफान आ रही है, मैं तो चला। वो कूदा, सोचिए वो कूदा और अपने रास्ता निकल गया। और महात्मा बाबा जब बोल रहे थे, वो कहाँ गए पता भी नहीं चला। तो जो आपके पास है लोगों के पास नहीं है, ये चीज आप अपने आप को ठान लीजिए। और आप एक ऐसा इंसान है कि वो आप जो यहाँ पे विशिष्ट बिजनेस में बोला जाता है, आप उसको यहाँ पे नियम को, सिस्टम को, आप इस सिस्टम को कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे अड़िग रहना है, डेडिकेशन के साथ रहना है और इस बिजनेस को कर करके अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये चीज जो है हमें कहां से मिलती है प्रेरणा, कहां से एजुकेशन मिलती है? हमारे अपलाइन, सोचिए इस बिजनेस में आपको यहाँ पे आए हैं तो आपको अपलाइन ही सफलता दिलाएगी और यहाँ पे कोई भी सफलता नहीं दिलाएगी। बशर्ते, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में पहला बटन, अगर शर्ट का पहला बटन हम यहां लगा लेंगे तो आपका पूरा बटन जो है गलत लगेगी। ऐसा नहीं है कि अगर पहला बटन गलत लग गया है तो दूसरे वाले बटन को हम सही कर सकते हैं। हो सकता है सर? नहीं होगा। जिंदगी में अगर पहला बटन आपका गलत लग गया है तो दूसरा बटन भी आपका सही लगेगा। और मार्केट में जितने लोग जो फंसे हुए हैं वो उसको क्या कहेंगे सर? मार्केट में लोग ट्रेडिशनल मार्केट जॉब कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो फंसे हुए हैं, बस 10,000, 20,000, 50,000 के चक्कर में फंस गए हैं और अपनी जवानी को, जूस ऑफ बॉडी जिसको बोलते हैं। हमको कहना है यहाँ पे सर, आप लोगों से उम्मीद है, भरोसा है कि अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में अमीर बनना सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो
हमारे माइंड में सर यही चीज आप लोगों को हम शेयर करना चाह रहे थे। सोच के प्रति हम एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि आप अपने आप को कमजोर मत मानिए। आपके साथ जितने भी सुपर इलेवन बनाया गया है, आप अपने सपने को उनके पास रख दीजिए, उनके पास रख दीजिए और उनको एकदम पूरी तरीका से हुरना चालू कर दीजिए। पूरी तरीका से मेरा एक सपना है सर, इतना समय में, इतना डेट में, इतना समय में इतना कलर होना चाहिए गाड़ी का। आपका सर सपना 100% आपको अपलाइन ही सफलता दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता है। और ऐसे हमारे टीम में आज हम मौजूद हैं जहां से आज हमें एजुकेशन मिला, जिनसे हम प्रभावित रहते हैं। पंकज कुमार वर्मा सर के टीम में अगर मैं नहीं होता तो मैं कल भी सर काम करता, 500 रुपया मिल जाता, काम करता 500 रुपया मिल जाता। हम में बहुत फील होता है कि वैसा एजुकेशन सिस्टम के पास है, सुपर इलेवन आपके हैं, उनसे तो मिलिए, अपने सपनों को पूरा कराइए और अपने अपलाइन का आदर कभी भी कम मत होने दीजिए। आप अपने अपलाइन का अगर मान सम्मान बढ़ाइएगा ना तो आपका अपलाइन बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए, बशर्ते आप अडिग हो रहेंगे। आप अपने सोच को एकदम बना लीजिए कि मेरा इस वेस्टेज बिजनेस में मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। क्यों? क्योंकि मैं हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अपने सोच को पूरा करने आए हैं। लोग मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं, किसी को बताने जाता हूं मैं कमजोर हूं, ये सर यहाँ पे डिपेंड करता है, सोच पे, ओनली फॉर आपका सोच पे डिपेंड करता है। हम लोग में ऐसा क्या है कि इस सोच को हमेशा एकदम से एकदम किसी के प्रति जो है मेरा माइंड एकदम कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सोच पे डिपेंड करता है। एक राजा, एक बहुत ही कमजोर राजा, उसका जितना भी प्रजा था बहुत ही कमजोर था। जब किसी उस पे आक्रमण करता है ना तो वह हार के चला पाता, उसका राजा तो राजा प्रजा सब जो है एकदम कमजोर था। और क्या करता था कि जब भी किसी दूसरे राजा उसके तरफ अटैक करता था तो एक पुल बना हुआ था, बाकी चारों तरफ समुंदर था। इस बात को समझिएगा सर, अपने आप को चारों तरफ क्या था, उसके गांव के बीच बीच में और चारों तरफ समुंदर। अब वो समुंदर था और उसके पास जो है एक पुल बना हुआ था, एक ही पुल था ही, ताकि अगर लड़ाई होता था तो होता क्या था कि उसी पुल से जो है उसका राजा का जो प्रजा था भाग जाता था, सब सैनिक जो है उस राजा का भाग जाता था, बहुत ही कमजोर। तो इसी तरीका से क्या हुआ कि एक राजा आया और बोला कि कल मैं तुझसे लड़ाई करूंगा और तुम्हारा जितना भी है पूरा मैं पूरा अच्छी तरीका से अपना बना लूंगा और सबको गुलाम बना लूंगा। वो बोला और बोल करके चला गया। अब वो राजा सोचा कि मेरा प्रजा सब ऐसे करता है, लड़ाई होने लगता है तो सब क्या करता है कि पुले से भाग जाता है, वो जो पुल है पुले से भाग जाता है। तो उसने क्या किया समझिएगा, एक ट्रक जो है पेट्रोल मंगा लिया। क्या मंगाया सर? पेट्रोल। और 2 से 4 ट्रैक्टर जो ट्रक जो है लकड़ी मंगा लिया। समझने का प्रयास करिएगा सर, उस राजा जो सर एक ट्रक जो है पेट्रोल मंगा लिया और 3-4 ट्रक जो है लकड़ी मंगा लिया। अब पूरा उसका जो है राजा जो है ना सोच रहा है कि राजा जी पगला गए हैं, अरे हम लोग कमजोर आदमी हैं, लड़ नहीं पाते हैं तो क्यों हम लोग को फिर से कल लड़ाई है, तो ये सब किस लिए मंगाए हैं। तो राजा को समझ में नहीं आया। सुबह हुआ, जितना भी पेट्रोल वाला एक वो गाड़ी था वो क्या किया कि जो पुल से लोग भाग जाते थे उसी पुल पे पेट्रोल वाला गाड़ी लगा दिया, ठीक है। और जितना भी लकड़ी था
वो सब लकड़ी पुल पे बिछा दिया राजा। और जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ उस पुल पे आग लगा दिया। अब कहने लगा प्रजा कि हम लोग भागेंगे कैसे, आप तो पुले पे आग लगा दिए और यही एक माध्यम है और चौपटी समुंदर है, अब कैसे भागेंगे। ये अब राजा जी जो है पूरी तरीका से पगला गए हैं। समझने का प्रयास करिएगा, युद्ध चालू होने से पहले पूरी तरीका से एकदम सैनिक में आग बबूला हो गया। मरता क्या नहीं करता, वो माइंड में उसका सोच ढूक गया ऐसे भी तो आज मरने हैं, कोई ऑप्शन तो आज राजा जी तो छोड़े नहीं है। पुल पर पूरा आगे लग गया और उस लड़ाई होगा तो भागने का वही एक रास्ता है। एकदम पूरी तरीका से उसका सैनिक ने सोच बना लिया कि आज तो डू एंड डाई, लड़ाई में मरना है या तो मराना है और इसके सिवा ऐसे भी तो हम मर ही जाएंगे। एकदम पूरी तरीका से सैनिक में आग जो है पूरी तरह से बुलबुला हुआ और देखिए जोश और जुनून उस समय सोच यहां पे ला दिया। और जब दूसरे राजाओं ने उस समय जब उनसे लड़ाई और चढ़ाई किया एकदम पूरी तरीका से जोश और जुनून के और सोच के साथ जय जयकार हो गया और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। तो बस यही चीज है सर, हम अपनी अंदर की सोच कभी भी प्लान देने जाते हैं तो नीचा मत रखिए। आप अपने एकदम फोकस कर दीजिए, मेरा जो है सपना क्या था, हम इससे क्या पाना चाहते हैं। किसी को भी आप प्लान देने जाते हैं तो आप अपने सोच को एकदम से है हमेशा जीत जाइएगा। हम अपने आप को जब मान लेंगे तब। तो चलिए इन्हीं के साथों हम एक शेयर करना चाहते हैं, अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर है तो क्या हुआ, जल भी वहीं से निकलेगा। और ना हो मायूस और ना घबराएं अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक यू। विश यू वेल।